टच करता होया लाओ बिल्कुल हंदियां दे लागे मुकाबला ते पॉइंट पाकिस्तान दे हिस्से दे विच जुड़दा होया एक होर नंबर। अगली कबड्डी देखदे वी आ नौजवान पाउण दे वास्ते दूसरे पासे बहुत ही छोटा जिहा गभरू पर बहुत सोहणी ट्राई करदा होया इहनूं शगल कहिंदे आ शगल दे उखड़े आ पैर तिलकदा होया ते दूसरे पासे बहुत ही सोहणा गभरू जफ्फा लाउण दी कोशिश करदा होया हाँ इहनूं मौला कहिंदे आ ये मौला तेरे रंग ने न्यारे पिंडां दे विच गल्लां हुंदियां इह आ मौला बहुत ही सोहणी ट्राई करदा होया पर पॉइंट स्कॉटलैंड वालियां दा। शफीक बट कहिंदे आ ये बहुत ही तकड़ा नौजवान है इस नौजवान का नाम पूरी दुनिया जानती है पर गोड्यां दे उत्ते पट्टियां कीतियां होईयां पर तां भी परवाह नहीं करता हल्की चोट भी लगी हुई है पर दूसरे पासे मैनूं लगता भी साडे रैफरी साहब की जजमेंट डबल टच की कीती अपील तो पॉइंट पाकिस्तान का पॉइंट इस नौजवान का हसदा टपदा उन्हां दे नाल गल्लां करदा भरावां वालियां तो दूसरे पासे फिर छोटे जिहे गभरू नूं और मौका देने लगे वो कहते भी तू नौजवान दो हाथ कर पाकिस्तान वाले सुपर स्टारा के नाल पर अज नहीं हंदियां ते रेडर केयर हुंदा पर सारे तो नहीं हंदियां ते रेडर केयर हुंदा पतला पतंग वर्गा गभरू उडू उडू करता होया 50-60 किलो भार पर दूसरे पासे बहुत ही खलील बहुत ही तजर्बे वाला नौजवान डकण की कोशिश करता होया पर पॉइंट स्कॉटलैंड का एक होर पॉइंट के वाधा हो गया 125 करोड़ की वादी में एक जमया बब्बर शेर जिन्हें सारी दुनिया जित ली और फौजा सिंह दलेर जिहड़ा पग बन के सिर ते केसरी उड़दा विच हवावां हुण फौजा सिंह दे वास्ते हर कोई मंगे दवावां उहदे करतार मिरखा टैगर दारा बुद्धू फिडू देवी प्रगट सारे वीरे मुटक दीमो धरत पंजाब दी जमदी इहो जिहे हीरे जिन्हां दे सिर ते दुनिया करदी हत्थां नाल छावां हुण फौजा सिंह दे वास्ते हर कोई मंगे दवावां। लाओ स्कॉटलैंड दी टीम दा खिडारी मैदान दे विच आत्मविश्वास आत्मविश्वास है इन्हां खिडारियों के जीदारी पूरी है बेशक लीड बड़ी होगी पर जीदारी खेडते हुए स्कॉटलैंड के खिडारी क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़े लैवल की ये टीम बड़ा प्रदर्शन मैदान के अंदर करती हुई बड़ी लीड 13-40 का अंकड़ा सैकंड हाफ की खेड मैदान के अंदर जो है चलती हुई इस समय आसिफ मौला बहुत वधिया कोशिश करता होया अगली कबड्डी पाउण दे वास्ते अगली कबड्डी पाउण दे लई अशफाक पठा ये नौजवान भरमे जूसी वाला खिडारी बड़ा तजर्बा इस नौजवान का कबड्डी खेडण का अशफाक पठा पाकिस्तान के लिए एक होर नंबर जोड़ता होया। लो भाई दूसरे पासे बहुत ही सोहना गभरू गोरा निशोर रंग जानी दो घड़ियां देखते रहिए यहोजे मुंडे नूं देख के कुड़ी कहिंदी आ फड़ी नहीं मार टुक मैनूं मुंडा देख लैण दे बहुत ही सोहना गभरू रेड दे उत्ते दूसरे पासे चार चावां ते लाडां नाल पाले हुए महाबली योधे मुकाबला करते हुए इस नौजवान दे नाल उह कहिंदा वी मैं दो हथ करूँगा इहनूं मौला कहिंदे आ मौला कहिंदा वी मैं दो हथ करूँगा उखड़े आ पैर छिट्टा देगी झांजरां वाली ते कैंठे वाला तिलक गया खड़ गया मूहरे बिल्कुल हंदियां दे कोले घेर के जफ्फा लाउण दी करदा होया कोशिश ते पॉइंट है पाकिस्तान का पॉइंट है साढ़े गुरु नानक साहब की जन्म स्थान धरती का। दूसरे पासे साड़ियां बहुत सारिया सत्कारयोग भैणां इस पंडाल दे विच बैठ के इस अज दे महाकुंभ का आनंद माण रही हैं गुरु रामदास की नगरी दे विच। दूसरे पासे बहुत ही भलवानी जुस्से वाला एन जिवें कहिंदे इहनूं मनशा गुजर कहिंदे आ जिवें घड़िया पिया शरीर फिट किया होया बिल्कुल मुड़को मुड़की होया जवानी का जोर है इस नौजवान दे विच ते बिल्कुल दर्शनी शरीर है आप मुकाबला करता होया उखड़े आ पैर बिल्कुल पैरों नूं हथ नहीं लाउण दिंदा आओ जांदा हौली हौली तुरिया बहुत ही भलवानी जुस्सा बड़ा भोला भाला बड़ा भला मानस नौजवान है ये जिहड़े तकड़े भलवान हुंदे आ उह बहुत ही भले मानस हुंदे आ ये भले मानस होण दी इक निशानी हुंदी है चंगे प्लेयरां दी। लो वी पतला पतंग करके गभरू दूसरे पासे फिर गोरा निशो वालां दा स्टाइल बहुत सोहणा मुंडे दा पर जिथे इस नौजवान ने बहुत ही जबरदस्त धावा किया होया हथ ला के भजन की कीती हुई कोशिश रैफरी साहब की जजमेंट ते लो अगलियां सेवावां लैके साडा सत्कारयोग वीर मखण अली। लाओ मैदान के अंदर अशफाक रिकॉर्ड कीपरस एक एक नंबर का लेखा जोखा रखते हुए और अगली कबड्डी पाउण दे वास्ते मैदान दे विच अशफाक पठा हल्का जिहा टच करता होया ते पॉइंट अपनी टीम के लिए एक होर नंबर स्कॉटलैंड के 14 पाकिस्तान के 47 नंबर ने सैकंड हाफ की खेड मैदान के अंदर चलती हुई ये गभरू देश पंजाब दे देखो जुस्सियां दे विच जान गज गज चौड़ियां छातियां ये दिंदे ठल तूफान ये अमरी गुड्डी चाड़ते टाकी लाने विच समान ये तन मन दे नाल जूझदे बार्डर हो जा खेड मैदान इन्हां दे कंधे ते चूल दी यारो देश कौम दी शान ताइयो रब वर्गा है दोस्तों सानू बिन गिनाते माण। मोहम्मद मनशा गुजर इस समय पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी
कबड्डी पाउंदा होया सो साथी कमेंटेटर बसंत सिंह बाजा खाना अगली गल जो है इस नौजवान की मैदान के अंदर कर इस समय पाकिस्तान का बेहतरीन तावी पिछला वर्ल्ड कप भी इस खिलाड़ी ने खेडिया और देखते हैं भी दूसरे पासे स्कॉटलैंड का जाफी पूरी कोशिश करता पर भरावां वाला प्यार नंबर जिहड़ा इस समय पाकिस्तान की टीम के हिस्से जुड़ता होया अगली रेड स्कॉटलैंड की तरफों उच्चा लम्मा कद इस खिलाड़ी का पोले पोले कदम धरता होया चार जाफी पाकिस्तान दे कि जित हार तो होंदी रहिंदी करो इको गल ते मान तुसी मां खेड कबड्डी की खेड के उच्ची कर दे शान तुसी सच्ची सुची खेड खेड के लखा ही दिल जित लैने ने बछो आड़ियां कबड्डी खिडारियों के करोड़ों विच मुल पैने ने करोड़ों विच मुल पैने ने सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल बहुत उच्ची सोच दो करोड़ी कबड्डी कप एक पासे नंजा नंबर पाकिस्तान स्कॉटलैंड के नंबर 15 और पाकिस्तान की तरफों इशपाक पठा रेड के उपर और ऑफिशियल का फैसला टैक्निकल नंबर जड़ा इस समय पाकिस्तान की टीम के हिस्से ये पॉइंट जड़ा जुड़ चुके है अगली रेड स्कॉटलैंड की तरफों खेड मैदान के अंदर नंगे पिंडे चढ़ी जवानी दुनिया सारी मने हट कबड्डी बनने भी हट कबड्डी बनने असलम डोगर पाकिस्तान का बहुत ही वधिया जाफी गुट नूं फड़दा पर अंक जिहड़ा इस समय ये स्कॉटलैंड की टीम के हिस्से जुड़दा होया वाटर ब्रेक हो चुकी है इस मुकाबले की और दर्शक वीरां दा कट वाटर ब्रेक सो पॉइंट देखदे भी मोहम्मद वंशा गुजर पाकिस्तान दे वास्ते अगली रेड फिर जी स्कॉटलैंड की तरफों पै चुकी है लख लख मुल पैंदा कली कली रेड का जेड़ा भी खिडारी जिंद जान नाल खेड़दा लैंदा नहीं सहारा जेड़ा गोलियां दी डब्बी का बंदा कौडी तो हीरा बन जे जिन्हों लग जे इश्क कबड्डी का एक अकमल पाकिस्तान का जाफी कोशिश करता पर अंक जेड़ा ये स्कॉटलैंड की टीम के हिस्से जुड़ चुके है 17 नंबर स्कॉटलैंड के और 51 नंबर जेडे पाकिस्तान दे पाकिस्तान दी इशपाक पठा इस खिलाड़ी का शरीर बिल्कुल हरजीत बराड़ की दिख वर्गा सांभिया शरीर है इस खिलाड़ी का लाओ न पॉइंट जड़ा इस समय ये पाकिस्तान की टीम के हिस्से 51 तो 52 अंक जेडे पाकिस्तान दे हो चुके ने स्कॉटलैंड दे 17 अंक ने स्कॉटलैंड की तरफों पतला पतंग जहा शरीर है इस खिलाड़ी का लो खेड मैदान के अंदर पई रेड हल्के हल्के पब कदे खबी कनी कदे सजी कनी और पाकिस्तान का बेहतरीन जाफी अकमल इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं मुकाबला बिल्कुल सख्त हो चुके है दोनों खिलाड़ियों के दरम्यान एक फसमी जी टक्कर है एक एक पॉइंट के लिए एक एक अंक के लिए दोनों खिलाड़ी जूझ रहे हैं लो अंक जड़ा इस समय ये पाकिस्तान की टीम के हिस्से इस अंक का वाधा जो हो चुके है 53 नंबर पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के 17 नंबर और अगली रेड पाकिस्तान की टीम की तरफों तरह पई हुई पायल इस खिलाड़ी की और दूसरे पासे स्कॉटलैंड का बेहतरीन जाफी पूरी कोशिश कर रहा है पर मनशा गुजर हसदा हसाऊंदा इस समय अंक जिहड़ा पाकिस्तान की टीम के हिस्से इस अंक का जो वाधा कर चुके है और देखते हैं सामने अगली रेड जिहड़ी फिर स्कॉटलैंड की टीम की तरफों पै चुकी है 53 अंक जिहड़े पाकिस्तान के हो चुके ने 17 अंक जिहड़े स्कॉटलैंड के लाओ सामने इस समय स्कॉटलैंड की टीम के हिस्से इस अंक का जो वाधा हो चुकी है स्कॉटलैंड पाकिस्तान की तरफों इशपाक पठा देखते हैं सामने पई रेड खेड मैदान के अंदर इशपाक इस समय पाकिस्तान का बेहतरीन धावी और दूसरे पासे स्कॉटलैंड का जाफी पूरी कोशिश कर रहा है पर अंक जिहड़ा ये पाकिस्तान की टीम के हिस्से पाकिस्तान के अंक ने जो 55 स्कॉटलैंड के नंबर ने जो 18 अगली माइक की गल मेरे साथी कमेंटेटर माइक पर लाओ इधरले पासे बड़ी लीड ले हुए पाकिस्तान की टीम ने इस समय सैकंड हाफ की खेड चलती हुई मैदान के अंदर पाकिस्तान 55 स्कॉटलैंड 18 नंबर ने
18-55 ਦਾ ਅਕੜਾ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮਲ ਡੋਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਫੀ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੀੜਾ ਜਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 55 ਨੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੰਸ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਲਸ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਬਾਈਨ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਕਸਿਨ ਮਾਕਸਿਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹ 56 ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 20 ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਓ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗੱਭਰੂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਜੜਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਪੜੀਆ ਜਿੰਦਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜੀਆ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਾਜਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਦਵੇ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭੇ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਓ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਓ ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਰੇਡ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਆ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਸ਼ਫਾਕ ਪਠਾਨ ਸੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਸ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 21 ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ 20 ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ 21 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 61 ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ 21 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ 21 ਅਤੇ 61 21 ਔਰ 61 ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜੋ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ